हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करते हैं फिर से एरो इंडिया 2021 की और देखते हैं कि क्या अपडेट्स आ रही हैं वहाँ से। तो बात करते हैं पहले कैनिस्टर लॉन्च्ड स्काई स्ट्राइकर की, जो कि एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम है और इसे शोकेस किया है अदानी एरोस्पेस ने। स्काई स्ट्राइकर को बनाने वाली कंपनी है एल्बर्ट सिस्टम्स, जो कि इसराइल की है और ये वर्ल्ड लीडर है यूएवीज में। तो डेफिनेटली एक एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन अदानीज एंड एल्बिट सिस्टम्स और उसके तहत अब स्काई स्ट्राइकर को इंडिया में बनाया जा सकता है और मुझे लगता है कि ज़रूर हमारे डिफेंस फोर्सेस ने ऑर्डर प्लेस किया होगा या फिर ये करने वाले होंगे, क्योंकि एक यूजफुल वेपन सिस्टम है। तो आइए जानते हैं इस स्काई स्ट्राइकर के बारे में। ये एक लॉटरिंग म्यूनिशन है, यानी ये कई घंटों तक आसमान में उड़ सकती है, लॉटर कर सकती है, वेट कर सकती है और फाइनली जब टारगेट एक्वायर हो जाए, लॉक हो जाए, तब फिर ये टारगेट को हिट करती है विद इनबिल्ट वॉरहेड, जो कि एक 5 kg का आईईडी होता है। और ये आईईडी इसके फ्यूसेलाज में इंस्टॉल्ड होता है, तो इसीलिए इसे एक इनविजिबल एंड साइलेंट किलर कहा जाता है। स्काई स्ट्राइकर की सबसे खास बात यह है कि इसका जो प्रोपल्शन है वो इलेक्ट्रिक है और इसलिए इसे कवर्ड ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है और ये क्रूज मिसाइल्स की तरह लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकती है और एक यूएवी की तरह टारगेट के ऊपर कई घंटों तक लॉटर कर सकती है। तो इसीलिए इसे क्रूज मिसाइल और यूएवीज के बीच का एक इनोवेशन कहा जाता है। इसके रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की है और इसकी स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर की है और फ्लाइट एंडोरेंस इसकी 6 घंटे तक की है। तो इसीलिए ये कई घंटों तक ये आसमान में वेट कर सकती है और फाइनली उस पर अटैक करती है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर सिस्टम्स को अबॉर्ट भी किया जा सकता है और इसे अबॉर्ट करने के बाद इसे पैराशूट के थ्रू इसकी सेफ रिकवरी हो जाती है और जब टारगेट दोबारा एक्वायर हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो इसे फिर से हम रीलॉन्च कर सकते हैं और ये दोबारा उस टारगेट के ऊपर लॉटर करके, चेक करके, टारगेट को एक्वायर करके फिर उस पर हिट करती है विद इनबिल्ट वॉरहेड, जो कि एक आईडी होता है। तो इस तरीके से एक डेडली वेपन सिस्टम है इसराइल का और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इंडियन आर्मी इसके बारे में विचार कर रही होगी, इस स्काई स्ट्राइकर के बारे में। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की और वो है हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को लेके, और एक हिस्टोरिक डे था फॉर आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि ऐसे 2 हेलीकॉप्टर हैंड ओवर किए गए कोस्ट गार्ड को और 3 इंडियन नेवी को, और ये एक ध्रुव का एक अपग्रेडेड वर्जन है फॉर नेवी एंड कोस्ट गार्ड। तो आइए देखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर्स में क्या क्या खास बात है। ये इक्विप्ड है विद ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से और इसमें एक स्वीवेबल हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट लगी हुई है जिसे बनाया है ट्राका बीम ने। ट्राका बीम एक मल्टीनेशनल कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की और इसके कई जगह ऑफिसेस हैं और ये इस तरीके के सर्च लाइट बनाती है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में IFF लगा हुआ है, यानी आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फॉर, यानी ये दोस्त है या दुश्मन उसकी पहचान कर सकती है। इसमें 12.7 mm के केबिन माउंटेड मशीन गन को इंस्टॉल किया जा सकता है ऑप्शनल इसके लेफ्ट साइड में, और इसके नोज में 270 डिग्री की कवरेज वाला एक सर्वेलेंस रडार लगा हुआ है जो कि टारगेट को सर्च करता है एंड एक्वायर करता है, और इसके अंडर नोज में एक मल्टी स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड है फॉर रिकनेसेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रेंज फाइंडर। तो इस तरीके से ये एक हाईटेक हेलीकॉप्टर है और नेवी थोड़ा एक डिफरेंट वर्जन ढूंढ रही है एक लाइट वेट कैटेगरी में जो कि 4.5 टन का हो, क्योंकि ध्रुव फिलहाल 5.5 टन का है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें एक लाइट वेट ध्रुव भी देखने को मिले।
इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को अब खत्म करते हैं। जय हिंद।